हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है, मैं सिग्मा टी से बोल रहा हूँ। हम सिग्मा टी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं चाय में, ये देखिए मसाला टी है बनाए, और इसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, जैसे CTC टी के साथ जिंजर है, कैडमोन है, सिनेमोन है, ब्लैक पेपर है, क्लोव है। काफ़ी अच्छा मिक्सअप करके परसेंटेज देके इसकी टेस्ट जिससे अच्छा लगे और चाय की चुस्की भी मिले, तो उस तरह की बनाया हुआ है कॉम्बिनेशन। और 150 ग्राम 500 रुपीज़ की ये है, और ये कांच की शीशी में है तो ये 400 रुपीज़ की है। और इसके बाद अब अगर हम आते हैं तो इनका सिग्मा टी का एक कश्मीरी ग्रीन टी है कावा, जिसे नून चाय भी कह सकते हैं, और ये 100 ग्राम 500 रुपीज़ का है। और ये कांच की शीशी में 70 ग्राम 400 रुपीज़। इसमें आप सुने तो होंगे कि ना, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ग्रीन टी पियो जिससे BP कंट्रोल होगा, शुगर कंट्रोल होगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, कैंसर बीमारी दूर रहेगी, और इस तरह के काफ़ी चीज़ हैं जो काम तो आता है ग्रीन टी पीने से, मगर लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीना है। मेरे हिसाब से कम कोल्ड ड्रिंक पीना, जो भी पीना पीते रहेंगे, मगर एक बार एक दिन में एक बार ग्रीन टी भी पी लेंगे तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है और अपने अपने में फुर्ती भी रहती है और बॉडी भी क्लियर रहता है। और ये पीने से एहसास होगा कि डिफरेंस क्या है। मैं जितना बोलूँगा आपको लगेगा कि उतना ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं, जब तक आप खुद जब तक ट्राई ना करें। और ये जो दार्जिलिंग चाय है, इसकी तो फ्लेवर ही अलग है। तो आप वैसे भी सुने होंगे कि दार्जिलिंग सिर्फ लोगो ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है कि दार्जिलिंग से है चाय, पूरे वर्ल्ड फेमस है ये। तो अब जैसे ये सिग्मा दार्जिलिंग टी है, ये जो कंटेनर है ये 100 ग्राम 500 रुपीज़ की है, और ये 70 ग्राम 400 रुपीज़ की है। इसमें लिप जो है वो बहुत मतलब इसमें दूध नहीं चाहिए, इसमें मेरे ख्याल से शुगर भी नहीं चाहिए, मगर शुगर लोग अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से डालते हैं, वो डाल सकते हैं, मगर ये ऐसी चीज़ है कि नेचुरल है। इसे सिर्फ पत्ती डालिए, भिगोइए काफ़ी देर तक गर्म पानी में, उसे छान के पी लीजिए, बस उसी में आपको फ्लेवर टेस्ट सब कुछ आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से सबसे प्योर चीज़ है, जिसमें कोई चीज़ की मिक्सअप नहीं करने की ज़रूरत है आपको। आजकल टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट बर्ड के हिसाब से लोग मसाला स्पाइसेस वगैरह क्या बहुत कुछ डालते हैं, चॉकलेट वगैरह बहुत कुछ, मगर ये जो चीज़ है कि आप बोलेंगे नहीं, इसमें मुझे कुछ नहीं ऐड करना, मुझे तो मैं दिन में पहले एक बार टेस्ट के लिए पी रहा था, फिर सोचा कि कुछ हॉट ड्रिंक होना चाहिए, कुछ पीना चाहिए, और फिर धीरे कोविड के टाइम में भी लगा कि कुछ गले को साफ़ करे, गर्म पानी पिए, तो सोचा चाय पी लेते तो थोड़ा हेल्दी रहूँगा। और तो आप भी जानते हैं कि गर्म पानी सभी लोग पी रहे थे, तो उस टाइम मैं शुरू किया तो देखता हूँ कि अब काफ़ी अच्छा टेस्ट बैठ गया, तब तो उसको पिए बगैर तो मेरा राह भी नहीं आता, कुछ हानि तो करता नहीं है, तो इसलिए मैं एक का दो भी हो जाता तो दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि दार्जिलिंग टी ये बॉक्स में भी बनाया हुआ है, इसकी MRP है 200 रुपीज़ 100 ग्राम। आप देख सकते हैं कि ये इकोनॉमिकल भी है, कि जितने भी बॉक्स आइटम्स हैं अगर आप ये देखते हैं तो ये भी सब चीज़ अच्छी है। ऐसा नहीं है कि प्राइस के हिसाब से कोई चीज़ में कम क्वालिटी ज़्यादा क्वालिटी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं टेस्ट करता हूँ तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, अगर ये बॉक्स या कंटेनर खुल के कुछ आपको दे दूँ या बना के पिलाऊँ घर में, तो आप बोल नहीं पाएंगे कि आपने मुझे कौन से वाला कंटेनर का चाय दिया है, बॉक्स का चाय दिया, चाय सब अच्छी है। अब ये देखिए नॉर्मल ग्रीन टी है, अब ये 100 ग्राम 150 रुपीज़ का, मगर यही देखिए थोड़ा सा और ट्विस्टेड और थोड़ा सा और फाइन लीफ अगर देखेंगे तो सिग्मा ट्विस्टेड ग्रीन टी है, ये नॉर्मल है और ये ट्विस्टेड। अब नॉर्मल ट्विस्टेड में देखिए ये इसकी MRP है 200 रुपीज़ 100 ग्राम की, तो आप बोलेंगे कि ये 50 रुपीज़ ज़्यादा हो गया, मगर अपने अपने पे डिपेंड करता है कि क्या कौन सा चीज़ किसको क्या लाइक होता है। अगर ये पिए या पिए, ऐसा नहीं है कि आपको ये फ़ायदा कर गया या आपको नुकसान कर गया, चीज़ सब बढ़िया ही है। अब आप देखिए ये ग्रीन टी का एक और, इसमें सिग्मा टी जो है ये डिप बनाया है पिरामिड से, आप देख सकते हो
अब ये पिरामिड शेप है, ये इसमें 25 डिग्री सेटेड है और इसकी MRP है 400 रुपीज़। इसमें आपको 25 डिजिट मिलेगा। इसे आपको क्या करना है, आपके आप समझिए कि घर में आप हैं या ऑफिस में हैं, जहाँ पे आपको अपने से चाय बना के पीना है और आपको चाय की आदत है, तो आप बस आपको क्या करना है, गर्म पानी आपके पास थर्मस में है तो मग में डालिए, कॉफ़ी मग में या टी कप में, और वहाँ पे आप डाल के इसको बस थोड़ा सा डिप कर लीजिए, इससे में आपकी चाय रेडी। आप बैठे बैठे अपने टेबल पे चाय पी सकते हैं, बिना किचन में किचन यूज़ किए, बिना किसी की ज़रूरत हो। अब जैसे कि क्या होता है कि ना, आदत होती है कि घर में रहते हैं संडे के दिन है या ऑफिस में हैं और बार बार बोलते हैं चाय लाओ, तो घर वाले भी नाराज़ होते हैं कि बार बार चाय मांगता रहता है। ये अच्छी चीज़ है कि किसी की अपने को डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, अपने इसे आराम से आप कभी भी बना के पी सकते हैं। अब एक और चीज़ है, अब एक्चुअल में लोग ज़्यादातर CTC ज़्यादा पीते हैं। तो अब लास्ट में अब हम आते हैं, ये 1 kg का सिग्मा स्ट्रॉन्ग CTC टी का पैकेट है। अब ये क्या चीज़ है कि इसमें जो आप कलर देख रहे हैं चाय का, ये कलर तो आप देख पहचान रहे होंगे और चाहते हैं यही चाय घर में बने, और आप जब भी खरीद के लाते हो, बनाने जाते हैं चाय मार्केट से खरीद के, तो आप देखते हैं अरे ये बना नहीं, मगर देखिए मैं भी वही कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, मगर आप बना के देख लीजिए, जब आप वहाँ ट्राई किए तो यहाँ पर भी ट्राई कर लीजिए। मैं देखिए दूसरे का तो गारंटी नहीं ले सकता ना, चाय तो अच्छी सभी लोग बनाते हैं, सभी लोग पैक करते हैं, अपने हिसाब से सब चेष्टा करते हैं, मगर गारंटी लेने के लिए तो मैं अपनी चाय की ले सकता हूँ, दूसरे की तो नहीं ले सकता। अब आगे देखिए, इसमें आपको स्ट्रॉन्ग सिटी टी में क्या होता है कि दाना रहता है। अब दाना है, अब इसमें जैसे 1 kg का पैकेट है, इसकी MRP 500 रुपीज़ है। अब ये आप देखेंगे कि ये पीने से आपको लगेगा कि 500 भी कम है, मुझे जहाँ तक लगता है, मगर ठीक है, सबसे प्रीमियम CTC दिया हुआ है आसाम की, तो अगर इसमें मैं ब्लेंड करूँ, दाम करने कम करने जाऊँ, बाजार में कंपटीशन करूँ, तो हो सकता है कि मैं 200 तक ले आऊँ, तो उससे क्या होगा, फिर वही आप बोलेंगे कि चाय का जो कलर है वो नहीं बन रहा है। तो फिर आप देखिए आपको क्या पीना है, आप बैठ से उठिए सुबह नींद में, आप अगर सुबह सुबह चाय पीना है तो ग्रीन टी पीजिए, आप ब्रेकफास्ट में अगर चाय पी रहे हैं तो चलिए आप मॉर्निंग वॉक से होके आए हैं तो आप CTC पीते हैं, तो आप CTC पी सकते हैं, इसमें दूध मिला के पीते हैं, इसे ले इसमें लोग अपने हिसाब से दूध ना देके लेमन टी भी वगैरह बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर ये जो चीज़ है मेन लोग CTC दूध में मिला के ही पीते हैं। दूसरी बात है, अगर आपको एरोमा फ्लेवर वगैरह बहुत कुछ चाहिए नेचुरली, तो आप डार्लिंग में जा सकते हैं, आप कुछ भी लीजिए कि सब ऑर्गेनिक लीजिए। मैं आपको बोलूं कि आप कहीं से भी खरीदिए, कुछ भी पीजिए, जो भी है आज सब चीज़ आपको हेल्दी आगे रहना है, आगे बचे रहना है, तो कोई भी आज अपनी गलती करते हैं तो बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है, तो आज टेस्ट भी है, आप टेस्ट भी करना है और आगे लॉन्ग टाइम तक करना है, तो फिर ये इसे भी क्यों ना ट्राई करें। ये आपका टेस्ट, आपको इसमें जो टेस्ट आएगा वो ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, तो आप डार्लिंग चले आइए। आपको थोड़ा सा नून चाय पीना है, कश्मीरी कावा पीना है, तो आप कश्मीरी कावा ग्रीन टी ले लीजिए, आपको वो नहीं पसंद है, आपको सिर्फ कलर लिकर टेस्ट चाहिए, कलर मीन्स जो पत्ती का जो कलर आता है वो आप उसमें देख पाएंगे, भले आप बोलेंगे कि ये क्या है, ये पत्ती में ऐसा कलर निकल रहा है, ये एक्चुअल में यही बात है, असली जो ओरिजिनल पत्ती अगर अपने यूज़ करते हैं तो सबकी अपनी खासियत रहती है, तो अपने जब ओरिजिनल चीज़ खरीदते हैं, ओरिजिनल चीज़ डालते हैं तो उसकी ओरिजिनल टेस्ट भी आती है। अब आप देखिए आपके पास भी टाइम इतना रहता नहीं है कि आप जा करके बाज़ार में एक एक चीज़ ढूंढेंगे, तो आप इससे बढ़िया ट्राई करते हैं कि हमको कहाँ से किसी ऐड से किसी वीडियो से किसी के रेफरेंस से कुछ चीज़ असली मिल जाए, आप भी ट्राई करते हैं, मगर एक बार अगर वो गलत साबित हो जाता है फिर उसको दोबारा मौका नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे बहुत जन है लाइन,
एक बार ही चांस मिलता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको अगर चाय की शौक है तो, और नहीं भी होना चाय की शौक तो मैं बोल देता हूँ कि तब टेस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो शौक हो जाएगा, एडिक्ट पड़ जाएगा आपको। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं आपको आज के लिए तो बाय बाय करता हूँ, नमस्ते। और ये वीडियो ख़त्म होने के बाद तो मैं सबका एक एक कप बना के जरूर पीने वाला हूँ। ओके बाय गाइस।